नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 27 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो आप इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मार्च 2021 में किसने नई दिल्ली में यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे एंजोले के साथ एक आभासी बैठक की। तो देखो भी हाल ही में 25 मार्च 2021 को जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, नाम क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने 25 मार्च 2021 को यूनेस्को की जो डायरेक्टर जनरल है, नाम क्या है, ओद्रे एंजोले, इनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, रमेश पोखरियाल निशंक। अब इस मीटिंग में फोकस किन किन चीजों पे था, तो देखो फोकस था एक तो कोविड-19, इसके संबंध में क्या स्टेप लिए गए हैं इस पे फोकस था, और दूसरा एजुकेशन के सेक्टर में किस प्रकार से आगे मतलब एनहेंस किया जा सके, तो इन दोनों चीजों पे इसमें फोकस था। अब बात करते हैं हम यूनेस्को के बारे में। देखो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी का गठन कब हुआ था, मतलब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो फॉर्मेशन हुई थी कब, 16 नवंबर 1945 में। फिर से बोलता हूँ, 16 नवंबर 1945 में इस बॉडी का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल अभी हमने पढ़ा, एड्रे एजोले, ये तो है डायरेक्टर जनरल। ये है क्या, देखो ये एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, काम क्या करती है, एजुकेशन साइंस और कल्चर के क्षेत्र में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। तो समझ गए ना ये यूनेस्को पूरी है क्या, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रमेश पोखरियाल निशंक। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में खोला गया है, तो देखो ट्यूलिप गार्डन इस प्रकार का है, ट्यूलिप गार्डन तो ये खोला गया कहां पर, श्रीनगर में जो डल लेक है ना, डल लेक के तट पर है जबरन हिल्स, वहां पर ये खोला गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, श्रीनगर। और देखो ये कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खुलता है, आप ये कह सकते हैं 15-20 दिन के लिए इसको सिर्फ खोला जाता है। और ये कब से खोला गया, 25 मार्च 2021 से, जिससे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सकें। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, श्रीनगर। श्रीनगर देखो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। यह है जम्मू कश्मीर का पिछला करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है, जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कोपुआड़ा में कृषि परिसर में एक दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। सीआरपीएफ ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आएगा, जम्मू कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन कहां पर है ये देखिए आप, देखो ये है जम्मू कश्मीर की लोकेशन, इसकी बाउंड्री देखो यहां पे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन तीन के साथ जम्मू कश्मीर की बाउंड्री टच होती है और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। जम्मू कश्मीर की अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो दो कैपिटल है, एक तो है श्रीनगर जो समर कैपिटल है, दूसरी जम्मू जो विंटर कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा, ये तो है प्रेजेंट टाइम में। पूछा जाए फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कौन है, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की एक साथ फॉर्मेशन हुई थी 31 अक्टूबर 2019 में। मुख्य न्यायाधीश कौन है, पंकज मित्तल। देखो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के मतलब उसकी जो हाई कोर्ट है ना, वहां के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कॉमन हाई कोर्ट है, और ये कौन है, पंकज मित्तल, ये मुख्य न्यायाधीश है। लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इनके साथ सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सिग्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, देखो जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में होली का त्यौहार होता है ना मार्च के आसपास, उसी प्रकार से गोवा में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, सिग्मा फेस्टिवल। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो बात यहाँ पे गोवा की हुई है, तो गोवा की लोकेशन देखिए, बाउंड्रीज की महाराष्ट्र और कर्नाटका दो राज्यों के साथ लगती है। गोवा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है, पणजी इसकी कैपिटल है, और देखो पणजी मंडोवी रिवर के किनारे पर है, यहां से क्वेश्चन उठता है, याद रखेगा ये मंडोवी रिवर के किनारे पे है। 30 मई 1987 में इसकी फॉर्मेशन हुई। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। दो जिले हैं लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। महाराष्ट्र कर्नाटका इन दो के साथ सीमा लगती है। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। देखो बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट में ना महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD, ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता।
कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं जैसे मोलम नेशनल पार्क, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो ये सब कहाँ पर हैं? ये गोवा में स्थित हैं। रायतोलेम लेक और बोंदावा लेक, ये दोनों ये भी गोवा में है। और सलोईलीम डैम, नाम क्या देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, सलोईलीम डैम ये भी गोवा में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में किसे 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में नवीनतम नाम से रूप में घोषित किया गया है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द ग्रेट खली, और ये इंडिया के हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इस क्वेश्चन में देखो ज्यादा डिटेल है नहीं समझाने लायक, तो चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में दुनिया की पहली जहाज सुरंग कही जाने वाली सुरंग की इंजीनियरिंग परियोजना निर्माण के लिए निर्धारित है? तो देखो ये कहां पर बनेगी, ये बनेगी नॉर्वे में। जिस प्रकार से रोड टनल होती है ना, उसी प्रकार से अब बनेगी शिप टनल, कहां पे? नॉर्वे में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का काम है ना, ये 2022 से शुरू हो जाएगा और तकरीबन 2025-26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर से बोलता हूं, 2025-26 तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो 1.7 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। आप ये कह सकते हैं 1700 मीटर के करीब इसकी लंबाई है, 37 मीटर ये ऊंची है और 26.5 मीटर ये चौड़ी है। समझ गए आप? और देखो नॉर्वे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और हमने अभी एक दो दिन पहले ही पढ़ा था, जूटेबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित सड़कें ये नॉर्वे देश की हैं, ये भी आप याद रखेगा। अब इसकी लोकेशन देखिए कहां पर है, ये है नॉर्वे की लोकेशन, ये यूरोप के अपर पार्ट में है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो कैपिटल है इसकी ओस्लो, याद रखेगा। और ओस्लो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? नॉर्वेन क्रोन, ये आगे वाली आप याद रखेगा क्रोन। प्रधानमंत्री कौन है? इरना सोलबर्ग। देखो इसकी बाउंड्री स्वीडन और फिनलैंड और रशिया के साथ भी लगती है, ये भी आप याद रखेगा। देखो नॉर्वे और फिनलैंड, ये नॉर्वे है ये फिनलैंड है, इन दोनों की सीमा रशिया के साथ लगती है, लेकिन ये जो स्वीडन है ना इसकी बाउंड्री सिर्फ यहीं तक है, इसकी सीमा रशिया के साथ नहीं लगती है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य में एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? देखो नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर, ये कहां पर बनेगा? ये बनेगा हरियाणा के अंबाला सिटी में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज, जिन्होंने अभी ये अनाउंसमेंट की है। देखो ये बनेगा अंबाला में, और हरियाणा ने एक टारगेट रखा है क्या कि 2025 तक राज्य से जो ये टीबी है, टीबी की प्रॉब्लम, इसको एलिमिनेट करना है। और भारत का भी यही लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे भारत से टीबी को मुक्त कर देना है, पूरे भारत को टीबी से। और देखो ये तो है भारत का, पूछा जाए वर्ल्ड का मतलब ग्लोबली कब तक इसे हटाना है, तो 2030 तक, ये आप याद रखेगा। अब हरियाणा के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। मार्च 2021 में किस राज्य, यहाँ पर आएगा देखो हरियाणा, हरियाणा की विधानसभा ने लोक व्यवस्था में विघन के दौरान श्रति वसूली विधेयक 2021 पारित किया। 21 मार्च 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1411 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब हरियाणा की लोकेशन देखिए, यह है हरियाणा की लोकेशन, इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पांच तो है राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश, ये दिल्ली है। इसके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। ये तो बात करी हमने बाउंड्री की, अब इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। 22 जिले हैं लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में हाईकोर्ट है। देखो हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं ये रविशंकर झा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सुहू वोके किस देश के रक्षा मंत्री हैं? देखो अब समझते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो देखो ये हैं दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री, साउथ कोरिया के। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये 25 मार्च से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इसका फोकस क्या होगा? दोनों देशों के जो बायलेटरल रिलेशन है डिफेंस के क्षेत्र में, इसको एनहेंस करना। तो ये कहाँ के रक्षा मंत्री हैं? ये दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री हैं, और ये भारत के जो रक्षा मंत्री हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनसे ये मुलाकात करेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब साउथ कोरिया की लोकेशन देखिए, देखो ये है साउथ कोरिया की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है इसकी सियोल, और सियोल इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। कोरियन रिपब्लिक वोन, ये करेंसी है। मून जे इन, ये प्रेसिडेंट है। देखो ये साउथ कोरिया और ऊपर है नॉर्थ कोरिया, ये इधर येलो सी, ईस्ट चाइना सी और ईस्ट ऑफ जापान, ये है जापान सी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक खेल मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया है? तो देखो ये बढ़ाया गया कब तक? 2025-26 तक।
फिर से बोलता हूँ, 2025-26 तक इसको बढ़ा दिया गया है खेल मिनिस्ट्री के द्वारा। अब इसमें होगा क्या, देखो बढ़ा तो गया है, ये ना एनुअली होती है। अब ये जो खेलो इंडिया गेम्स है ना, ये कब स्टार्ट हुए थे, ये 2018 में स्टार्ट हुए थे, ये आप याद रखेगा। इसका जो पहला एडिशन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था, दूसरा एडिशन ये पुणे में हुआ, तीसरा एडिशन ये कब हुआ, गुवाहाटी में, और चौथा अब 2021 में ये कहाँ पर होगा, हरियाणा में। याद रखेगा 2018 में नई दिल्ली में, 2019 में पुणे, और 2020 में असम के गुवाहाटी, और 2021 में अब कहाँ पर होगा, ये हरियाणा में होगा। ये एनुअली होता है और इसमें ना फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है प्लेयरों को, कितनी, 5 से 8 लाख रुपए तक दी जाती है पर एनम, और इसमें थाउजेंड्स जो प्लेयर होते हैं ना इनका सिलेक्शन किया जाता है। समझ गए ना आप, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 30% वृद्धि की है, तो देखो ये की है तेलंगाना सरकार ने, और साथ ही इन्होंने जो रिटायरमेंट की एज है इसको भी चेंज किया है, पहले होती थी 58, अब कर दी है 61, 61 ईयर। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा, और जो राज्य के कर्मचारी हैं टीचर वगैरह उनकी जो सैलरी है ना उसको 30% बढ़ा दिया गया है, तो तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात तेलंगाना की है तो लोकेशन देखिए, यह है तेलंगाना की लोकेशन, इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है, तो देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसके साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो हैदराबाद इसकी कैपिटल है, ये यहाँ पे फॉर्मेशन 2 जून 2014 में इसकी फॉर्मेशन हुई। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, तमिलिसाई सोंदराजन ये राज्यपाल हैं, 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हैदराबाद में हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हीमा कोहली, और इन चारों राज्यों के साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। किस भारतीय तटरक्षक जहाज को औपचारिक रूप से मार्च 2021 में चेन्नई में कमीशन किया गया है, तो ये किया गया है किसको, आईसीजीएस वज्र। आईसीजीएस का पूरा नाम क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। फिर से बोलता हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप इसको चेन्नई में सर्विस में लिया गया है, मतलब इसको कमीशन किया गया है। अब पूछा जाएगा इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो डिजाइन किया गया है लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा, ये पॉइंट आप याद रखेगा। और 24 मार्च 2021 को इसको चेन्नई में कमीशन किया गया है, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आईएस वज्र। काम क्या होता है, देखो जो कोस्ट गार्ड वाला यानी तटरक्षक जो क्षेत्र होता है ना उसकी सुरक्षा करना, यही इसका मेन फोकस होता है, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मार्च 2021 में उत्तर कोरिया ने जापान के सागर में कितनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तो ये दागे कितनी, 2। देखो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कम चांस है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सके, लेकिन हाँ ये नॉर्थ कोरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो नॉर्थ कोरिया की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, यह है नॉर्थ कोरिया की लोकेशन। देखो अभी हमने पहले पढ़ा था साउथ कोरिया के बारे में, अब पढ़ते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, तो देखो कैपिटल इसकी प्योंगयांग, ये इसकी कैपिटल है और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, कोरियन पीपल्स वॉन। प्रेसिडेंट कौन है, किम जोंग यन। अच्छा ये बताइए, ये तो नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है, यहाँ पे इनके बीच में जो ये लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है, इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में खुद से। और देखो ये कहाँ पे दागी थी मिसाइल नॉर्थ कोरिया के द्वारा, तो ये जापान के सागर में, ईस्ट मतलब ये जापान सी में, और ये है जापान सी, ये आप लोकेशन देखिए इंपोर्टेंट है एग्जाम में। देखो कभी कभी ये सी भी पूछ ले जाते हैं कि किन देश की सीमा इन सी के साथ लगती है। तो अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी कहाँ पर, उड़ीसा में। देखो जो ये चेस है ना, चेस का जो खेल है, इसी को ही एनहेंस मतलब इसको ही प्रमोट करने के लिए ये अकेडमी बनाई जाएगी कहाँ पर, उड़ीसा में, और ये भारत की पहली है। अब उड़ीसा की आप पिछला करंट अफेयर कवर कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा, क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की गई थी। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजन नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए के मिश्रा होंगे। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए, यह है उड़ीसा की लोकेशन, इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है, देखो यह है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। उड़ीसा की कैपिटल की बात करें, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई, 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर।
भितरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ये नाम सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये चारों सेंचुरी मतलब ये जो नेशनल पार्क और सेंचुरी है ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से उठता है ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के ऊपर है, मंदिर डैम शंख रिवर के ऊपर है, और देखो ये राउरकेला स्टील प्लांट, ये स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी इसे कहा जाता है, ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज्यादा है क्योंकि ये भी अभी चर्चे में था। तो ये तो बात करी हमने उड़ीसा की बेसिक डिटेल के बारे में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में जारी आईसीसी मेंस टी20 आई प्लेयर रैंकिंग में विराट कोहली की क्या रैंक है, तो देखो इनकी रैंक है फोर्थ, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जो महान गायिका है, नाम क्या है, आशा भोसले, इनको इससे सम्मानित किया जाएगा। और ये जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ना, ये 1996 में ये स्टार्ट हुआ था, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY के तहत 2020 में 68,33,000 से अधिक लाभार्थियों को मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है, मतलब जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन दी है किसने, स्मृति ईरानी ने। और देखो ये है कौन, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखो पहले एक स्कीम थी, नाम क्या था, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, फिर आगे चलकर 2017 में इसी स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया, फिर क्या रखा गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें होता क्या है, देखो जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स होती है ना, उनकी हेल्थ सर्विसिंग मतलब उनकी जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करने के लिए कैश इंसेंटिव दिया जाता है, मतलब आप इसमें ये कह सकते हैं इसमें कैश इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है उन महिलाओं को, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्मृति ईरानी। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन, सॉरी ये आज के करंट अफेयर है, अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। पोर्ट एहुला कहाँ स्थित है, तो देखो ये मेडागास्कर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को मंजूरी दी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। एससीओ के सदस्य 2021 में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास करेंगे, अभ्यास का नाम क्या है, पब्बी एंटी टेरर 2021। ये पब्बी कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में एक जगह है। किस राज्य सरकार ने पशुओं के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया है, आंध्र प्रदेश, सही आंसर है। महान कर्नाटिक संगीतकार मुथुस्वामी दीक्षितकार की जयंती किस दिन मनाई जाती है, 24 मार्च। विश्व क्षय रोग टीवी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन, अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। किस राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया। सेकंड क्वेश्चन, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। और देखो उत्तर प्रदेश में ना इससे पहले तीन और फेस्टिवल हो चुके हैं, एक तो स्ट्रॉबेरी, दूसरा कौन सा है, जैगरी फेस्टिवल, तो देखो इन सबको ना, और एक और है काला नामक चावल फेस्टिवल, इन तीनों की लोकेशन बतानी है ये कहां कहां पर आयोजित हुए थे। मार्च 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवाओं और किस देश के साथ साझेदारी की है। किस राज्य ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया। जस्टिस एन वी रमन भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू।